जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए एक मिनट में रिपब्लिक डे परेड की सारी खास बातें। अगले 3 महीनों में इसरो लॉन्च करेगा 5 सैटेलाइट मिशंस। खराब मौसम के कारण अरुणाचल प्रदेश के युवक की वापसी में हुई देरी। यूएन में सबके सामने भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पीओके खाली करने के लिए कहा। और इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड ने आयोजित करी पश्चिम लहर ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से इस 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद है आप सभी ने आज के इस खास दिन को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट जरूर किया होगा। और अगर आप चाहें तो आज के गणतंत्र दिवस के अपने सेलिब्रेशन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज जो गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर इंडियन आर्म फोर्सेज के एयर वॉरियर्स ने जो 75 एयरक्राफ्ट के साथ एक ग्रैंड फ्लाईपास कंडक्ट करी थी, आप सभी ने उसका पूरा आनंद लिया होगा। और इसलिए आज इस पहले अपडेट में हम आपको सारी खास चीजें बताने जा रहे हैं जो आज इस खास दिन पर हुई हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि आज जो फ्लाईपास कंडक्ट की गई है वो रिपब्लिक डे के अवसर पर कंडक्ट की गई अभी तक की सबसे बड़ी फ्लाईपास थी। लेकिन इस फ्लाईपास की एक खास बात ये भी थी कि आज पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने इन फ्लाइट यानी कि उड़ान के दौरान ही जो रिकॉर्ड किए गए वीडियोज हैं उनको दिखाने के लिए सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। इसके अलावा जहां एक तरफ इंडियन आर्म फोर्सेज के एयरक्राफ्ट अलग अलग फॉर्मेशन में हमें नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की पहली विमेन रफाल फाइटर जेट पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इंडियन एयरफोर्स W के साथ नजर आई। और वैसे आपको बता दें कि ये इंडियन एयरफोर्स की दूसरी विमेन फाइटर जेट पायलट है जो इंडियन एयरफोर्स W का हिस्सा बनी है। और जबकि पिछले साल इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत इंडियन एयरफोर्स W का हिस्सा बनी थी। इसके अलावा DRDO ने भी अपने दो खास W में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस के लिए विकसित किए गए स्वदेशी वेपन्स और इक्विपमेंट को प्रदर्शित किया। तो वहीं इंडियन नेवी की सबमरीन्स के लिए स्वदेशी तौर पर बनाई गई AIP सिस्टम को भी प्रदर्शित किया गया है। और यही नहीं बल्कि करीब 30 सालों बाद आज पहली बार श्रीनगर के लाल चौक एरिया में जो क्लॉक टावर है तो उसके टॉप पर पहली बार स्थानीय लोगों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है। और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक घटना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अगले 3 महीनों में करीब 5 सैटेलाइट मिशंस को लॉन्च करेगी और जिसमें भारत के न्यूली डेवलप्ड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV का भी पहला लॉन्च शामिल है। इसके अलावा फरवरी के महीने में PSLV C52 रॉकेट से RESAT-1A सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया है। तो वहीं मार्च के महीने में PSLV C53 से OceanSat-3 INS-2B और आनंद सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और जबकि अप्रैल के महीने में SSLV-D1 से एक माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। लेकिन इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने अभी हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ एक खास मीटिंग के दौरान उन्हें बताया है कि भारत का जो गगनयान प्रोग्राम है उसमें कोविड और ऐसी अन्य बाधाओं के कारण देरी हुई है, लेकिन अब यह प्रोग्राम फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ गया है। और अगले साल इस प्रोग्राम के तहत मैन्ड फ्लाइट को लॉन्च किए जाने से पहले 2 अनमैन्ड मिशंस को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले जो चीनी सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के एक युवक का अपहरण किए जाने वाला मामला हुआ था, तो अब इस मामले पर आज भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू की तरफ से बताया गया है कि चीन ने भारत के उस 17 साल के युवक की रिहाई के संकेत दिए हैं जो पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश से लापता हो गया था। और जैसे कि चीन की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि उन्हें वो युवक मिल चुका है। और इसलिए इस पर श्री किरण रिजिजू का यह भी कहना है कि जल्द ही चीन की तरफ से उस युवक को भारत वापस देने के लिए इसकी तारीख और समय साझा की जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि चीन ने रिहाई के लिए जगह का सुझाव भी दिया है और उनकी तरफ से खराब मौसम की वजह से ये देरी हुई है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और फिलीपींस के बीच जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाली डील है, तो अब इस डील को औपचारिक रूप से 28 जनवरी को साइन किया जा सकता है। और जबकि इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी देखने को मिला है जिसमें एक US न्यूज साइट ब्रेकिंग डिफेंस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें यह बताया गया है कि हाउथी राइवल्स की तरफ से जिस तरीके से UAE को ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करके टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में UAE ने काफी चुपचाप तरीके से और अनऑफिशियली इसराइल से कुछ ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने के लिए बात करी है जो कि UAE को इन हाउथी राइवल्स के हमले से प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो। और जबकि ब्रेकिंग डिफेंस ने अपने इस रिपोर्ट में कुछ इसराइली सोर्सेज के हवाले से कहा है कि UAE की मदद के लिए 3 ऑपरेशन सिस्टम या फिर 3 अलग अलग सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन UAE की मदद कर सकता है और इसमें बराकेट बराक ER और रफाइल स्पाइडर जैसे सिस्टम की बात की गई है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो बराकेट है उसे भारत और इसराइल ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और वहीं जो बराक ER है वो बराक 8 का ही एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है। अभी हाल ही में UNSC की एक डिबेट में भारतीय राजदूत ने हमारे निकम्मे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान की सही हरकतों का खुलासा करते हुए साफ तौर पर कहा कि 1993 में
मुंबई में जो सीरियल बम धमाके हुए तो उसके लिए जिम्मेदार जो अपराधी हैं वो पाकिस्तान में 5-स्टार फैसिलिटीज का लाभ उठा रहे हैं और वहां उन्हें पाकिस्तान की तरफ से सरकारी संरक्षण भी मिला हुआ है। और ये बात मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत श्री TS तिरुमूर्ति ने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक कार्रवाई सम्मेलन 2022 में बात कही। और भारतीय राजदूत को ये बात इसलिए भी कहनी पड़ी क्योंकि UN द्वारा प्रोवाइड किए गए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तानी डिप्लोमेट एक बार फिर से भारत के खिलाफ ही फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कर रहे थे। और इसलिए भारतीय राजदूत ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार भी नहीं है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि UN द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म का मिसयूज कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके वे अपने देश की खराब स्थिति से पूरी दुनिया का ध्यान हटाना चाहते हैं। और जबकि आज भारत ने UN में जम्मू कश्मीर को लेकर भी अपनी पोजीशन को एक बार फिर से दोहराया है, जिसमें भारत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वे POK रीजन के उनके इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज को खाली करें। और जब UN में पाकिस्तानी डिप्लोमेट की तरफ से भारत पर इल्जाम लगाया गया कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसके जवाब में भारतीय राजदूत ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान वो है जिसने आतंकवाद को अपने वहां पनाह देने, उनकी मदद करने और सक्रिय रूप से उनका समर्थन करने में अपना एक अलग ही इतिहास स्थापित किया है और ये वो देश है जो पूरे विश्व भर में आतंकियों का समर्थन करने के नाम पर जाना जाता है। और इसके साथ साथ भारत ने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी है कि भारत आगे भी इस तरह के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करना जारी रखने वाला है। इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड द्वारा वेस्ट कोस्ट पर एक जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर 2022 को आयोजित किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है करीब 20 दिनों तक चलेगी और इस दौरान वेस्टर्न नेवल कमांड के ऑपरेशनल प्लान्स को वैलिडेट किए जाने के साथ साथ इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच एक इंटर सर्विस सिनर्जी यानी कि आपसी तालमेल को भी बढ़ाया जाएगा। इस पश्चिम लहर 2022 मैरिटाइम एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की 40 से भी अधिक शिप्स और सबमरीन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जबकि इसके अलावा इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के मैरिटाइम रिकॉनोसेंस एयरक्राफ्ट PAT, डॉर्नियर्स इल्यूसिनल 38SD, अनमैन्ड एरियल सिस्टम और MiG-29 के स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI, जैगवार मैरिटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और अवॉक्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। और अगर बात करें इस एक्सरसाइज में शामिल इंडियन आर्मी के एलिमेंट्स की, तो उसमें आर्मी की तरफ से इस एक्सरसाइज के लिए एयर डिफेंस बैटरीज को मोबिलाइज किया गया है। और जबकि इस मैरिटाइम एक्सरसाइज में काफी लंबे गैप के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, फास्ट पेट्रोल वेसल्स और एयर कुशन वेसल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस एक्सरसाइज के दौरान रियलिस्टिक टैक्टिकल सिनेरियो में कई अलग अलग वैरायटी की वेपन फायरिंग्स की प्रैक्टिस की जाएगी और ये एक्सरसाइज इसमें शामिल सभी फोर्सेस को इस बात का भी अवसर देगी कि वे रियलिस्टिक कंडीशंस में किस तरीके से एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि अपनी शानदार सर्विस देने के बाद आज प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हॉर्स जिसका नाम है विराट, तो वो भी सर्विस से रिटायर हो चुका है। और वैसे आपको बता दें कि विराट को इस साल COAS यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया था। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। खैर आज का इतिहास खास क्यों है ये तो हमें आपको समझाने की जरूरत है नहीं, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।